कराची में शदीद बारिश, लेकिन सिंध हुकूमत और शहरी इंतजामिया की जानिब से जो बद इंतजामी सामने आ रही है उस पर कराची के शहरियों का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। लगाई पता नहीं क्या गटर निकला हुआ है, साथ में पानी नजर नहीं आ रहा, सारे बच्चे वहाँ गिर गए, अभी दो बच्चे गिर गए, सारा अंदर डूबते, हमने पकड़ा इन लोगों को। यहाँ हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है यार, बहुत काफी यहाँ तक डूब गया था अंदर में पूरा, बिल्कुल इतना डूब गया था। बारिश में बहुत मुश्किल आता है, इधर कोई निजाम हिसाब किताब नहीं है। अभी हमारा बंदा यहाँ से गुजरा, वहाँ सामने गिर गया, हम फिर तीन बंदों ने उसको पकड़। ईद का दूसरा रोज है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 6 में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है, लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, शाहिद हुसैन से जान लेते हैं। शाहिद बताइएगा। सर आज से जिस तरह बारिश का सिलसिला जारी है उसके बाद फिर निकासी आब पहले भी बहुत ज़्यादा मुतासर था, लेकिन इलाशी और उसके अलावा जो गंदगी नालों के अंदर और उसके बाद सेवरेज के निज़ाम के अंदर दाखिल हुई है, उसके बाद जो है वो गलियां जो है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, पानी लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो चुका है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है वो पानी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और उसके बाद जो है देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो उसी तरह इलाशें कचरा और अंबार लगे हुए हैं। कल से बताया गया है कि यहाँ से कोई भी महकमा बल्दियात या KMC या DMC का महकमा जो यहाँ से कचरा उठाने के लिए नहीं पहुँचा है। इसी तरह अगर देखा जाए तो लोगों के घरों के अंदर जो है वो पानी दाखिल हो चुका है, पानी निकालने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, नाले चौक हो चुके हैं और उसके बाद फिर जो सेवरेज का निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर चौक हो चुका है। एक जो है 3 से 4 फुट इसी तरह जो अंदर के इलाके हैं यहाँ पर जो है पानी जमा है और यहाँ से निकालने का कोई सिलसिला था। और उसके साथ साथ अगर जो बरसाती नालों की बात करें तो गुजर नाला, इसके अलावा रोंगी नाला और दीगर जो नाले हैं वो भी इसी तरह जो है वो एक तोगयानी की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, सैलाबी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। बरसाती पानी जो है वो निकल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से ना सिर्फ अतराफ के रहने वाले जो मकीन हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि जो शहर के मरकजी इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी शदीद परेशानी का सामना है। वो बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत की जानब से रेन एमरजेंसी के दावे किए गए थे, ना रेन एमरजेंसी पे के मुताबिक काम हो रहा है और ना ही जो रूटीन के मुताबिक महकमा बल्दियात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।